तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नौ मुंतखब सदर ए रेवंत रेड्डी ने आज अपनी जिम्मेदारी का हलफ लेने से कबल दरगाह हजरत यूसुफैन नामपल्ली पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। इस मौके पर उनके हमरा अखिलती कायरीन फेरोज खान, आमिर जावीद, मोहम्मद निजामुद्दीन और सीनियर कांग्रेस लीडर्स भी मौजूद थे। बादजां रेवंत रेड्डी ने मीडिया को भी मुखातिब किया। तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष बनाकर हिंदू मुसलमानों को जो अंकेज ऐसा देख लेके ये तेलंगाना माहौल तेलंगाना आम जनता भला के लिए हमारे मुसलमान भाइयों, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में था हम लोग 4% रिजर्वेशन दिए, जब माइनॉरिटी 4% से गरीब मुसलमान नीचे करो जो बेरोजगारी में था उन लोगों को बहुत कुछ हम मदद किए। मगर केसीआर के 7 साल में आज तक कोई मुसलमानों को मदद नहीं मिला। 12% रिजर्वेशन देने के लिए ऐलान करके मुसलमान भाइयों को धोखा दिए। हमारे मुसलमान भाइयों चाहे तो अरे कैसे आपको सबक सिखा सकते, जो इच्छा से श्रीमत सोनिया गांधी तेलंगाना जी हमारे मुसलमान भाइयों ने हमारे हिंदू भाइयों ने लड़कर तेलंगाना हासिल किए, हमारा हाथ कामयाब नहीं हुए। इसीलिए हिंदू मुसलमानों को दो आंके जैसा देख लेके एक सेक्युलर स्टेट बनाकर यहाँ हर आदमी के लिए काम करना है। और ये डबल बेडरूम घर देते बोल के मुसलमान भाइयों से वोट लिए, नौकरी देते बोल के धोखा दिए, 12% रिजर्वेशन देते बोल के ऐलान कर धोखा दिए। भगोड़ का जगह पूरा खा ले रहा है। हर चीज में हमारे मुसलमान भाइयों को नौजवानों को केसीआर धोखा पे धोखा देते जा रहा है। इसीलिए आज जो सेक्युलर पार्टी है इस हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनवाए, चीफ मिनिस्टर बनवाए, गृह मंत्री ने बनवाए, हर मौका कांग्रेस पार्टी के समय में